Hello and welcome everyone. So as you can see on the screen, we are going to discuss a concept with you, and this concept is from group theory. Group theory का concept है, क्या concept है? G by ZG is cyclic if and only if G is abelian. Center of G normal subgroup होता है group G का, तो हम quotient group define कर सकते हैं. वो जो quotient group बनता है G by ZG, अगर cyclic है तो group G को abelian होना पड़ेगा. ग्रुप जी अगर अबेलियन है तो जी बाई जेड जी को साइक्लिक होना पड़ेगा, है ना. इस पे एक हम लोग पहले एग्जांपल करेंगे, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो कि आपको सॉल्व करके और आंसर बताना है कमेंट करके. तो इसको जल्दी से समझ लेते हैं, ऐसा होता क्यों है. ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इस पे कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है. मतलब अगर जी अबेलियन है तो जी बाई जेड जी साइक्लिक हो ही जाएगा. अगर जी अबेलियन है तो सेंटर ऑफ जी जो है वो पूरा किसके बराबर हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा. जब सेंटर ऑफ जी जी के बराबर हो गया, तब जब आप जी बाई जेड जी निकालोगे तो G by ZG is nothing but G by G, right? और इसका अगर मैं order पूछूं, order कितना हो जाएगा? This is equals to one. One order का कोई भी group cyclic होता है. तो अगर G abelian है, then clearly G by ZG will be cyclic. अब इसको जल्दी से समझ लेते हैं कि G by ZG अगर cyclic है, तो G abelian होगा, ठीक है? अगर G by ZG cyclic है, तो हर एक element, इसमें elements क्या होंगे? Cosets होंगे. वो एक single element से generate किया जा सकता है. मान लेते हैं कि G by ZG जो है एक एलिमेंट, हमारे पास एलिमेंट क्या होगा? कोसेट होगा. मान लेते हैं कि जी जेड जी एक कोसेट है जिससे कि जनरेट हो रहा है, ठीक है. मतलब अगर जी वाई जेड जी का मैं कोई दूसरा कोसेट कंसीडर करूं, लेट मी से एम जेड जी में ले लेता हूं, ठीक है. एम जेड जी ले लिया मैंने, तो ये कुछ जी टू दी पावर आई जेड जी टाइप से होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट इससे जनरेट हो रहा है. ऐसे अगर मैं कुछ एन जेड जी कंसिडर करूं दूसरा कोसेट, तो वो भी आपका क्या होगा? सम जी टू दी पावर जे जेड जी टाइप से होगा. होगा या नहीं होगा? क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है. अब अगर मैं ग्रुप जी के कोई भी दो एलिमेंट ले लो, हमें अगर अबेलियन दिखाना है तो क्या दिखाना पड़ेगा? कोई भी ग्रुप जी के दो एलिमेंट आपस में कम्यूट करते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू बी है, तो हमने दो एलिमेंट जी के कंसीडर कर लिए, लेट मी से. अब हमें यह भी पता है कि जो कोसेट्स होते हैं, किसी भी सब ग्रुप के रिस्पेक्ट में आप कोसेट बनाओगे तो वो पार्टीशन क्रिएट कर देते हैं. पार्टीशन मतलब छोटे छोटे टुकड़े जो कि डिसजॉइंट है, क्रिएट कर देते हैं. तो अगर आप ए बी एलिमेंट ले लो ग्रुप जी के, तो किसी ना किसी कोसेट के अंदर होंगे जो सेंटर ऑफ जी से कोसेट्स बने, ठीक है. तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि ए हमारा किससे आ रहा है? एम जेड जी से आ रहा है, राइट. एंड एम जेड जी इज एक्चुअली व्हाट? जी टू द पावर आई जेड जी, ठीक है. तो ए हमारा किसमें बिलोंग कर रहा है? इसमें हमने मान लिया ए बिलोंग्स टू एम जेड जी, मीन्स इट बिलोंग्स टू जी आई जेड जी, राइट. ये ऐसे आप नोटेशन समझ रहे हो, मतलब बार बार बिलोंग नहीं लिखेंगे, बट यू गेट दिस. ए इज इनसाइड जी आई जेड जी. एंड मान लेते हैं कि बी हमारा इस कोसेट के अंदर है, लेट्स से एन जेड जी के अंदर है, एन जेड जी के अंदर है. इसका मतलब क्या हुआ कि बी बिलोंग्स टू जी टू द पावर जे जेड जी, इसके अंदर है, राइट. अब अगर a हमारा g टू दी पावर i zg में है, इसका मतलब a विल बी सम g टू दी पावर i इनटू सम एलिमेंट ऑफ द सेंटर, लेट मी कॉल इट एज z1. b अगर हमारा n zg, मतलब b अगर g टू दी पावर j zg में है, तो b हमारा कुछ g टू दी पावर j इनटू सम एलिमेंट ऑफ द सेंटर, ऐसे होगा. नाउ इजीली यू कैन सो दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी एल. लेट मी लीव इट टू यू, ये आपको खुद से करना है. ए बी इक्वल्स टू बी आसानी से आ जाएगा. G टू दी पावर आई जेड वन, जेड वन जेड टू सेंटर से आ रहे हैं, इनके प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो आसानी से आप दिखा सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू बी ए. क्या हो गया? ग्रुप जी अबेलियन हो गया. तो अगर जी वाई जेड जी साइक्लिक होगा तो जी अबेलियन होगा. जी अगर अबेलियन है तो जी वाई जेड जी साइक्लिक होगा. अब एक एग्जाम्पल समझते हैं. देखो क्वेश्चन क्या है. तो द एग्जाम्पल इज व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द ऑर्डर ऑफ जी वाई जेड जी. इनमें से कौन से जी वाई जेड जी के ऑर्डर नहीं हो सकते, ठीक है. सबसे पहले बी की बात करते हैं. क्या ये ऑर्डर हो सकता है? जी सेवन. सेवन क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं सेवन ऑर्डर कंसीडर करूं, लेट मी से ऑर्डर ऑफ जी बाई जेड जी इज इक्वल्स टू सेवन, तो इससे कोई भी प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होता है. इसका मतलब क्या हुआ कि जी बाई जेड जी कैसा हो गया? साइक्लिक हो गया. अगर ये साइक्लिक हो गया, अभी हमने थ्योरम क्या पढ़ा है, जी को अबेलियन होना पड़ेगा, जी इज अबेलियन. और हमें पता है कि अगर अबेलियन हो गया तो जी बाई जब जेड जी ग्रुप निकालोगे तो उसका ऑर्डर कितना आएगा? वन आएगा. पर ऑर्डर तो आपने सेवन लिया है, वो पॉसिबल नहीं है. कोई भी साइक्लिक जी बाई जेड जी तभी साइक्लिक हो सकता है जिसका ऑर्डर वन हो. ऑर्डर वन के अलावा जी बाई जेड जी कभी भी साइक्लिक नहीं हो सकता है ना. तो सेवन इसलिए पॉसिबल नहीं है. सिक्स ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि साइक्लिक हो जी बाई जेड जी. सिक्स ऑर्डर के नॉन साइक्लिक ग्रुप भी हो सकते हैं, तो सिक्स हो सकता है पॉसिबल. नाइन भी हो सकता है, नाइन ऑर्डर का भी जरूरी नहीं कि साइक्लिक हो, ग्रुप अबेलियन आ जाए तो नाइन ऑर्डर पॉसिबल है, हो सकता है. 15 भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 15 ऑर्डर के ग्रुप भी कैसे होते हैं? साइक्लिक होते हैं.
और जी वाई जेड जी का अगर ऑर्डर 15 लोगे वो साइक्लिक हो जाएगा, जी को अभिलियन होना पड़ेगा, अभिलियन होना पड़ेगा तो जी वाई जेड जी का ऑर्डर 1 हो जाएगा। अब ये और समझ लो 15 ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक क्यों होता है, क्योंकि 15 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 3 × 5, और कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर सम पी इंटू क्यू हो, पी एंड क्यू आर सम डिस्टिंक्ट प्राइम्स, अगर उसमें से मान लेते पी छोटा है तो पी अगर क्यू माइनस वन को डिवाइड नहीं कर रहा है तो वो साइक्लिक ग्रुप हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे 3 ≠ 5 − 1 = 4 नहीं डिवाइड कर रहा था, इसलिए 15 ऑर्डर का भी ग्रुप साइक्लिक होता है। और साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर कभी भी जी वाई जेड जी का ऑर्डर, साइक्लिक ग्रुप कभी भी जी वाई जेड जी अगर बन रहा है तो 15 ऑर्डर का नहीं बन सकता, 1 ऑर्डर का ही बन सकता है। तो ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है, मतलब 6 पॉसिबल हो सकता है, 9 हो सकता है, दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। ओके फाइन, ऐसा ही एक क्वेश्चन और है जिसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है। लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 91, 91 ऑर्डर का ग्रुप है, देन द ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर निकालना है इज, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिल करना है क्या ऑर्डर आएगा इफ जी इज नॉन अभिलियन। मतलब 91 ऑर्डर का नॉन अभिलियन ग्रुप अगर आपको दिया जाए और आपसे पूछे कि सेंटर में कितने एलिमेंट होंगे तो आपको कमेंट करके आंसर बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, कमेंट करके आप बताइए समझ आया या नहीं आया, और अगर कुछ डाउट है नहीं समझ आया तो वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, कमेंट करके आंसर जरूर बताना है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।